Jones. Assalamualaikum. आज हम गए थे आर्ट स्टोर, लोकल आर्ट स्टोर में, क्योंकि हम लोगों ने लेनी थी आर्ट सप्लाईज, क्योंकि नया सेमेस्टर शुरू है मेरी सिस्टर का. तो हम लोगों ने, वो आर्ट एंड आर्किटेक्ट पढ़ती हैं, तो हमने कहा कि उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी और मैंने भी लेनी थी, तो हम लोगों ने ली बहुत सारी आर्ट सप्लाईज. सबसे पहले जो हमने ली चीज़ें वो है ब्रशेस, पेंट ब्रशेस लिए, दो ये पेंट ब्रशेस लिए फ्लैट, और बाकी हमने ये पूरा सेट लिया 9 ब्रशेस का. ये मिक्स मीडिया ब्रशेस हैं. ये मैं खोल के दिखाती हूँ. वाटर कलर ब्रशेस हैं, क्योंकि ये मिक्स मीडिया है तो इसमें डिफरेंट है. ये तीनों वाटर कलर है, ये और ये जो है ये अक्रैलिक है. ये फैन ब्रश है, ये सब में यूज होता है, वाटर कलर में भी. और ये जो है ना, ये भी, ये ऑयल है. ये वाला जो सेट है पूरा, ये हमने लिया है 600 का. 9 ब्रशेस है. आप इंडिविजुअल लेंगे, एक ब्रश लेंगे तो वो आपको 150 का पड़ेगा, लेकिन ये पूरा सेट था तो ये सस्ता था, तो इसलिए ये हमने पूरा सेट ले लिया. ये दोनों ब्रशेस जो हैं, ये हमने लिए हैं 90 रुपीज के दोनों. तो ये हो गए. इसके बाद पेंसिल्स ली, 3 चारकोल पेंसिल्स हैं ये, और बाकी जो है वो बी 6B है, 2B है, 9B है, 6B है. ये हमने स्केच पेंसिल्स ली. उसके बाद ये एक कैलीग्राफी पेन लिया, ये स्केल लिया, ये मेरी सिस्टर के हैं, वो उनके हैं. ये हमने एक स्केल सेट है, दो स्केल हैं. हमने ये स्टेपलर लिया, ये मैंने लिया. ये जो है ना, अगर आपने वुड पे स्टेपलर करना है या फिर कोई भी चीज आपने स्टेपलर करनी है, वुड पे कर सकते हैं. फैब्रिक स्टेपलर करना है वो इसके लिए होता है, ये स्टेपलर को कहते हैं स्टेपल टकर. तो ये काफी, ये जो था ना, ये 1100 का है, और इसके साथ इसकी ये पिन्स अलग है 100 की. तो ये एक लिया. दूसरा ये कटर लिया, पेन कटर. बहुत, अगर आप कोई इस तरह के काम करते हैं, कटिंग वाले कटर है, और इससे पेपर बहुत अच्छा कट होता है, स्टेंसलिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत शार्प होता है, इसीलिए इसकी ये जो है ना ढक्कन भी है. इसके साथ जो है चार आपको कटर्स भी मिलते हैं एक्स्ट्रा के, आप ये खोल के. ये जो है ना इस तरह, इसकी चार कटर्स हैं एक्स्ट्रा, ये बहुत ज्यादा शार्प है. इसके ऊपर नंबर भी लिखा होता है, जब आपके ये खत्म हो जाते हैं चार, तो आप इसके और भी ले सकते हैं. ये ना खुलता है इस तरह कि ये, इसको आप ऐसे घुमाते हैं, ये पेन की तरह ना, ये पेन कटर है, आप इसको इस तरह घुमाते हैं ऐसे, इसके बाद ये यूं निकल आता है, और इसका ये कटर ऐसे निकल आता है, फिर उसके बाद आप इसको, इसका रिप्लेस होता है ये कटर. तो आप लोग इसको इस तरह वापस डालें, बहुत तेज होता है, तो इसको इस तरह करके ये इस तरह बंद हो जाता है. लेकिन ये जो सही स्टेंसिलिंग वगैरह करते हैं ना, उनके लिए ये आम पेपर कटर की तरह नहीं होता. आम पेपर कटर तो आप इजीली कोई भी यूज कर सकते हैं, ये उस तरह नहीं है. ये इसको यूज करने के लिए बहुत आपको प्रैक्टिस तो नहीं इतनी चाहिए, लेकिन ये बहुत शार्प होता है, ये ज्यादातर स्टेंसलिंग और उसके लिए होता है. पेपर कटर तो आम चार्ट्स वगैरह कट करते हैं. ये मैंने लिया है, आई थिंक ये 150 का लिया है. प्राइसेस मैं मेंशन कर दूंगी साथ.
स्केच फाइल है, इस पे स्केचेस वगैरह बनते हैं। इस पे ना बहुत टेक्सचर होती है, क्योंकि जो बाकी स्कॉलरशिप होती है ना वो टेक्सचर वाली होती है, इस पे ना कोई टेक्सचर नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ इसके पेजेस होते हैं लेकिन थोड़े से मोटे होते हैं। तो ये ना स्केच फाइल होती है इस तरह की। ये हमारी और स्केच, ये जो है ना वैसे लगती है चार्ट पेपर की तरह है, लेकिन ये चार्ट पेपर नहीं है, ये उससे पतली है और लाइट वेट है। और ये ड्राफ्टिंग शीट्स हैं, ये ड्राफ्टिंग के लिए यूज होती है और ये थोड़ी लंबी होती है। चार्ट पेपर तो इससे छोटा होता है, ये थोड़ी लंबी है। और इसके बाद जो है ये हमारी न्यूज पेपर शीट्स हैं, इस ये जो है ना प्रैक्टिस के लिए यूज होती है, ये उसके लिए होती है प्रैक्टिस के लिए। ये स्केचिंग, ये वो है स्कॉलरशिप्स, ये भी विदाउट टेक्सचर है, इसमें बिल्कुल टेक्सचर नहीं है। मेरे पास दूसरी जो स्कॉलरशिप्स होती है उनमें टेक्सचर होते हैं, जो वाटर कलर के लिए भी यूज करते हैं, या पोस्ट ऑयल पेस्टल्स के लिए यूज करते हैं, या पेंसिल कलर्स के लिए, उन पर थोड़ा टेक्सचर होता है। ये जो है ना, ये हम लोगों ने लिए दो इंक्स, ये मैंने कैलीग्राफी की प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत कैलीग्राफी पेंस लिए थे उसके लिए। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने वसीम स्टेशनरी से ली हैं। उसके बाद हम लोग एक और ऐसे ही गए थे एक स्टोर पे, उर्दू बाजार में, हाँ उर्दू बाजार गए थे, वहाँ से हमने चार्ट पेपर्स लिए, क्योंकि पोर्टफोलियोज के लिए बहुत सारे चार्ट पेपर्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने 150 चार्ट पेपर्स लिए। और आप वहाँ पर बहुत सस्ते चार्ट पेपर्स मिलते हैं, क्योंकि वो होलसेल मार्केट है, आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जिस तरह हमने 150 लिए। वहां से मुझे ये बहुत सस्ते ब्रशेस मिले, ये 50 के दोनों हैं, 25 का ईच, और ये बहुत सस्ते थे और मैंने कहा अच्छे भी लग रहे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, और ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये वन साइज है, बहुत पतला सा मुझे लगा कि मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने वहां से, हमने यहाँ उस वहां से दो पेन्स भी लिए, या मैंने अपने भाई के लिए लिए हैं, इंक पेन्स हैं। और ये भी वहाँ पे बहुत, उर्दू बाजार में बहुत चीज़ें सस्ती होती हैं, यानी तकरीबन 30% लेस रेट्स होते हैं। ये 50 की है और ये 60 के इंक पेन है, जबकि आपको ये आम मार्केट में 100 से कम का नहीं मिलता। तो ये लिए, वहाँ से एक स्टूको ली, ये भी 120 की लिए हमने, सस्ती थी वहाँ पे। एक हमने ये टेप ली, पेपर टेप, ये 20 की थी आई थिंक, ऐसे 20 की थी। उसके बाद ये चीजें हमने वहां से ली उर्दू बाजार से, हमने और हमने ये फाइल्स भी ली, दो बटन फाइल्स। उसके बाद हम लोग गए थे वूल शॉप, वूल शॉप से मैंने ये वूल के और एक के मैंने ये लिया, ये मैंने एक स्वेटर बनाना है उसके मैंने लिए थे, और ये मैंने इनके साथ कंबाइन करके लिया कि इसके एजेस इससे बनाऊंगी, इसमें शाइनी है और ये मुझे बड़े मजे के लगती है। ये 450 का एक है, ये जो है ये इम्पोर्टेड है, ये मेरे ख्याल से तुर्की का बना है, पाकिस्तान के हैं, ये एक नई कंपनी आई है बेंगलिनो इसके हैं, ये मुझे बड़े मजे के लग रहे हैं। ये 100, ये 150 का है और ये काफी रीजनेबल भी है इसकी प्राइस। उसके बाद वहां से मैंने लिया एक, उस वहां से मैंने स्टिच मार्कर लिए, ये बड़े मजे के, यानी ये आप ना क्रोशे के पीछे लगा सकते हैं, समझे आपके क्रोशे हो गया इसके पीछे ये ऐसे लग जाते हैं, जितने आपके वो हुए रोज हुई हैं उतनी आप इसको ऐसे से बढ़ाते जाए, इन पे नंबर्स लिखे हुए। और ये मैं जो मिला है मेरे ख्याल से 50 का था। ये निटिंग के एजेस हैं, जो निटिंग की आपकी नीडल्स होती हैं उनके पीछे ये इस तरह करके लग जाते हैं स्टॉपर्स। मैंने ये क्रोशे हुक लिया है, ये जॉइंट क्रोशे हुक है 14 mm का, क्योंकि इतना जॉइंट हुक मेरे पास अभी तक है नहीं, ये मैंने ऐसे ही अपनी कलेक्शन में रखने के लिए ले लिया। ना ड्राइंग बोर्ड है, बंडल दिए थे, इसमें ग्रे भी है, 50 ग्रे है, ये 50 ग्रे है और 100 ब्लैक है, ये हमें 15 rupees पर चार्ट पड़ा है। और जो बाहर मार्केट में मिलते हैं वो कुछ मार्केट में 25 मिलते हैं, और अगर आप कोई कराची कंपनी चले जाए 30 rupees का चार्ट देते हैं। वैसे तो मुझे 2-3 साल हो गए मैंने नहीं लिए, तब 20 का मिलता था आम मार्केट में, अब 25 का मिलता है, लेकिन ये इन्होंने हमें 15 का दिया क्योंकि हमने 100 से ऊपर लिए। तो इसलिए इस तरह अगर आप पिंडी के मार्केट्स में जा रहे हैं, वहाँ पे सफ़र आपको करना पड़ता है, बहुत रश था, सैटरडे था, बहुत ज़्यादा रश होता है, इतने हैवी आपको उठा के
पार्किंग दूर होती है, आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी और आप वहां से उठा के लेके जा रहे हैं, बहुत हैवी है ये, और ये मैं और मेरी सिस्टर उठा के लाए, बहुत ही हैवी थी। हमेशा पोर्टफोलियोज के लिए चार चुड्डू बाजार से लेती हूँ, थोड़ा सफर करना पड़ता है लेकिन आपको वहां से चीज अच्छी मिलती है और एक जैसी मिलती है। पोर्टफोलियोज में रिदम होना चाहिए, तो एक टाइप टाइम पे जो चार्ट पेपर बनते हैं ना, उसमें जो कलर ऐड होता है वो आपका एक तरह का होता है, तो सारे चार्ट पेपर्स का जो कलर है ना वो एक तरह का आएगा। लेकिन जब अगर आप मुख्तलिफ टाइम में लेंगे, कहीं और से लेंगे, कोई आपने कराची कंपनी से ले लिए, कोई किसी और मार्केट से ले लिए, तो आपके ना कलर डिफरेंस आता है पोर्टफोलियो में, वो जब आप इकट्ठे रखते हैं तो आपको कलर डिफरेंस पता चलता है। तो इसलिए आपको हमेशा चार्ट पेपर्स इकट्ठे लेने चाहिए, ऐसी चीजें इकट्ठी लेनी चाहिए ताकि आपको इस तरह की चीजों के लिए सफर ना करना पड़े, अगर आप अपने अच्छी क्वालिटी वर्क चाहते हैं अपने फाइल्स में। तो इसलिए आप लोग हमेशा जो है इकट्ठे चार्ट लें, उर्दू बाजार से लें, रीजनेबल मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, अच्छी तरह इस तरह पैक हुआ है, भैया हमने हमसे फट गए, उन्होंने बहुत अच्छे पैक करके दिए थे, और जो है ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि एक चीज तरह की चीज हो, इसलिए हम लोग हमेशा वहीं से लेते हैं। ये थी आज की हमारी शॉप प्राइस, तो काफी तकरीबन ये 6 to 8,000 का सारा सामान था टोटल, जो सारी आर्ट की ये सारे जो चीजें थी, सिर्फ आर्ट की जो थी वो 8,000 की थी। तो हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं ऐसी चीजें, ये सारी उन मार्केट से ली है जहाँ पे आपको बहुत रिजनेबल मिलती हैं चीजें। अगर आप जिना सुपर से लेंगे, वहां पे भी जिना सुपर में भी वसीम है, तो अगर आप वहां से लेंगे तो आपको इतनी रिजनेबल नहीं पड़ेंगी जितनी आप पिंडी जाके थोड़ा सफर करेंगे, लेकिन आपको चीज बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत रिजनेबल भी मिलेगी। तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि अच्छी चीज हो और रिजनेबल भी हो। ओके, बाय।